आईआईटी बीएचयू और बीएचयू के बीच दीवार खड़ी करने की बात पर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक विरोध शुरू हो गया है। इसे लेकर एनएसयूआई के छात्रों में काफी आक्रोश नजर आया। वहीं एनएसयूआई के साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के छात्रों ने भी हल्ला बोल दिया है। केंद्रीय कार्यालय के बाहर एनएसयूआई से जुड़े छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और महामाना की बगिया के विभाजन का पुरजोर विरोध करते हुए वीसी सुधीर जैन का पुतला भी फूंका। इसको लेकर आक्रोशित छात्रों का कहना रहा कि आज हमने वीसी सुधीर जैन का पुतला फूंका है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले दो दिनों से कैंपस में अराजक तत्वों का माहौल बना दिया है। एक छात्रा के साथ छिड़कानी होती है और प्रशासन व एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक शांत है, अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर इस प्रकार कैंपस अनसेफ रहा तो आगे क्या होगा। इतना ही नहीं, अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये लोग बीएचयू का बंटवारा करवाना चाह रहे हैं, दीवारें खड़ी करना चाह रहे हैं, लेकिन बीएचयू के छात्र ये नहीं सहेंगे। महामना की बगिया का विभाजन बीएचयू के छात्र नहीं सहेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। आज हम लोगों ने वीसी सुधीर जैन जी का पुतला फूंका है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले दो दिनों से कैंपस में अराजक तत्वों का माहौल बना दिया है। एक छात्रा के साथ छेड़खानी की जाती है और प्रशासन अभी तक चुप है, अभी तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस विश्वविद्यालय में केरला से लेकर कश्मीर तक के बच्चे पढ़ने आते हैं। अगर इस प्रकार कैंपस अनसेफ रहा तो अभिभावक के सामने क्या संदेश जाएगा, क्या वो अपने बच्चे को बाहर भेजेंगे? और लड़कियों के साथ, छात्राओं के साथ, महिलाओं के साथ ये दोराहा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? उसके बाद बीएचयू का बंटवारा करने की बात की जा रही है, दीवार बनाने की बात की जा रही है। आप कैमरा नहीं लगा पा रहे हैं, आप गार्ड की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, आप पेट्रोलिंग नहीं करवा पा रहे हैं, और अपनी दोस्त अपनी कमियों को छिपाने के लिए आप बीएचयू का बंटवारा करना चाहते हैं। यह नहीं सहेगा बीएचयू के छात्र, यह नहीं सहेंगे। मालवीय जी ने जब यह बगिया बनाई थी तो यह सोच कर बनाई थी कि हर फैकल्टी के लोग एक दूसरे से बातचीत करेंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा, शिक्षा के एक अलग स्तर पर शिक्षा को पहुंचाई जाएगी। लेकिन पिछले एक डेढ़ वर्षों से बीएचयू वीसी का जो यह रवैया है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। और चीफ प्रॉक्टर से लेकर के जितने भी सुरक्षा के लोग जुड़े हुए हैं, सारे लोग निकम्मे हैं। यदि बंटवारा होता है, जो बाउंड्री वॉल की बात की है, वो खड़ा होता है, तो आगे आप लोग का क्या? एकदम हम लोग खड़ा ही नहीं होने देंगे और हम लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे। बीएचयू का बंटवारा नहीं सहेगा बीएचयू का स्टूडेंट।